A very good morning, students, and welcome again to my another class. Today I'm going to start our new chapter, chapter number 9, biomolecules. तो students, हम class 11th का chapter number 9 आगे biomolecules शुरू करते हैं और आज हम इसका lecture 1 पढ़ने वाले हैं. तो आप देखिए students, बायोमोलिक्यूल्स कौन से हो जाएंगे, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन से बात करते हैं. दीज आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोमोलिक्यूल्स केमिकल कंपाउंड्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, जो कि विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाएंगे. यानी वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलने वाले केमिकल कंपाउंड्स को ही हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बायोमोलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी इंक्लूड किए जाते हैं. तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस डेफिनेशन को राइट करेंगे और याद करेंगे. आगे हम देखते हैं एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन अ टिश्यू. एक टिश्यू का हम किस प्रकार से केमिकल एनालिसिस करते हैं उसकी हम बात करते हैं. टेक ए लिविंग टिश्यू. आपको एक लिविंग टिश्यू लेना है, ए वेजिटेबल और ए पीस ऑफ लीवर एटसेट्रा. आप एक वेजिटेबल का टुकड़ा ले सकते हैं या लीवर का पीस यहाँ पर लिया जा सकता है. ग्राइंड इट इन ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड. फिर इसे ग्राइंड करना है. एसिड का नाम आप याद रखेंगे, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, Cl3COOH. यूजिंग ए मोर्टार एंड पेस्टल. मोर्टार और पेस्टल को यूज करते हुए आप इसे ग्राइंड करेंगे टू गेट ए थिक स्लरी. और आपको एक बहुत ही मोटी स्लरी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी. उसको स्लरी में चेंज करना है, लुगदी में चेंज करना है, मोर्टार और पेस्टल के सहायता से पीटते हुए. मोर्टार और पेस्टल आप जानते हैं स्टूडेंट्स, मोर्टार और पेस्टल में हम किसी भी चीज को ग्राइंड कर सकते हैं हाथों के द्वारा. उसे मोर्टार और पेस्टल में पीट पीट कर हम उसे ग्राइंड कर देंगे और उसकी थिक स्लरी हमें प्राप्त हो जाएगी. स्ट्रेन दिस थ्रू ए चीज क्लॉथ. फिर इस थिक स्लरी को हम स्ट्रेन किए हुए चीज क्लॉथ के ऊपर डाल देंगे और कॉटन के ऊपर भी डाल सकते हैं टू गेट टू फ्रैक्शंस, ताकि हमें दो फ्रैक्शंस प्राप्त हो जाएंगे. सच एज फिल्ट्रेट. एक फ्रैक्शन फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त होगा जो कि तने हुए चीज क्लॉथ से फिल्टर हो जाएगा. इसे हम एसिड सोल्यूबल पुल बोलेंगे. जो फिल्ट्रेट हमें मिलेगा उसे एसिड सोल्यूबल पुल कहा जाएगा, क्योंकि वो एसिड में सोल्यूबल हो जाएगा. और जो रिटेंटेट हमें प्राप्त होगा चीज क्लॉथ के ऊपर जो चीज़ बच जाएगी उसे हम एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन बोलेंगे. तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फिल्ट्रेट क्या है और रिटेंटेट क्या है. जो चीज़ हमें रिटर्न हो जाएगी वापस, जो फिल्ट्रेट नहीं हो पा रही है उसे हम रिटेंटेट कहेंगे. द फिल्ट्रेट कंटेंस बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स. जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. माइक्रोमोलिक्यूल्स की यदि हम बात करें तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे. और जो रिटेंटेट है स्टूडेंट्स, वहाँ पर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें मिलेंगे. और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है उन्हें हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहेंगे. तो आगे हम एग्जाम्पल्स भी देखने वाले हैं स्टूडेंट्स. आगे हम टॉपिक लेते हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस. वेक ए लिविंग टिश्यू एंड ड्राई इट टू इवेपोरेट वाटर. एक लिविंग टिश्यू हम वेक करेंगे, उसका वेट हम करेंगे एंड ड्राई इट टू इवेपोरेट वाटर, और उसे सुखाएंगे ताकि उसका पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाए. इट इज़ फुली बर्न टू ऑक्सीडाइज. फिर से पूरी तरीके से जला देंगे ताकि ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑल द कार्बन कंपाउंड्स टू गैसेस फॉर्म CO2 एंड वाटर वेपर. जितना भी कार्बन कंपाउंड्स है और जो गैसेज है उससे बाहर निकल जानी चाहिए CO2 और वाटर वेपर के रूप में. द रिमेनिंग एश. अब हमारे पास जो राख बच जाएगी कंटेंस इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, उसके अंदर इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचे रह जाएंगे, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम. इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स उसमें बचे रह जाएंगे. फिर आगे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेबल है जिसमें कंपेरिजन बताया गया है एलिमेंट्स का नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में. तो आप ये टेबल बनाएंगे. एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन. परसेंटेज वेट की हम बात करते हैं अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी में, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट जो है अर्थ क्रस्ट पर हो जाएगा 0.14%, ह्यूमन बॉडी में वो जो हो जाएगा 0.5%.
इसी तरह कार्बन की हम बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट पर 0.03% और ह्यूमन बॉडी में 65%, ऑक्सीजन 46.6%, सॉरी आप यहाँ पे ढंग से देखिए इसे, हाइड्रोजन का 0.14% और ह्यूमन बॉडी में 0.5% हो जाएगा, कार्बन का 0.03% अर्थ क्रस्ट पर मिलेगा लेकिन ह्यूमन बॉडी में 18.5% होगा, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें 46.6% और ह्यूमन बॉडी में 65%, नाइट्रोजन बहुत ही लिटिल मात्रा में अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट है, 3.3% ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, सल्फर की हम बात करें 0.03% टू ह्यूमन बॉडी की हम बात करेंगे तो 0.3%। इसी तरह आप सोडियम देखिए, कैल्शियम देखिए, मैग्नीशियम देखिए और सिलिकॉन देखिए, सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट से टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे बनाने की कोशिश करेंगे और वेरियस परसेंटेज वेट को भी आप याद करेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट पर कितना और ह्यूमन बॉडी में कितना मिल रहा है। आगे हम बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स लेते हैं, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं बायो माइक्रो मोलिक्यूल की डेफिनेशन में कि इनका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 1000 डाल्टन से कम हो जाएगा। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स फाउंड इन द एसिड सॉल्यूबल पुल रेंजेस फ्रॉम 18 to 800 डाल्टन। तो मॉलिकुलर वेट की हम बात करें बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स की, जो कि एसिड सॉल्यूबल पुल में मिलता है, उसकी रेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स 18 to 800 डाल्टन, आप याद रखेंगे। द एसिड सोल्यूबल पुल रिप्रेजेंट्स दी साइटोप्लाज्मिक कम्पोजिशन, जो एसिड सोल्यूबल पुल है मेनली वो साइटोप्लाज्मिक कम्पोजिशन को ही रिप्रेजेंट करता है। दे इंक्लूड अमीनो एसिड्स, और इस कम्पोजिशन में अमीनो एसिड की हम बात करेंगे, सुगर्स की हम बात करेंगे, नाइट्रोजन बेसिस की बात करेंगे और लिपिड्स की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे, माइक्रो मोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास, अमीनो एसिड, सुगर्स, एंटो बेसिस, लिपिड्स एटसेट्रा। तो आप बहुत अच्छे ढंग से राइट कीजिए डेफिनेशन को, बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे। अगर हम अमीनो एसिड की बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहला जो बायो माइक्रो मोलिक्यूल अमीनो एसिड हम लेते हैं, टाइपिकल अमीनो एसिड इज फॉर्म्ड ऑफ एन अमीनो ग्रुप, जो एक टाइपिकल अमीनो एसिड होता है वो एक अमीनो ग्रुप से बना हुआ होता है, एनएच टू ग्रुप से, एक एसिडिक ग्रुप भी इसमें मिलता है, साथ ही हाइड्रोजन और एक वेरिएबल एल्किल ग्रुप आर ग्रुप भी यहाँ पर पाया जाएगा, जिसके चेंज होने की वजह से वेरियस प्रकार के अमीनो एसिड यहाँ पर मिलेंगे। तो ये डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाना है स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला यहाँ पर बनाया गया है, कार्बन की जो चार वैलेंसी है वो चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप के द्वारा फुलफिल की जा रही है, एक वैलेंसी COOH के द्वारा, एसिडिक ग्रुप के द्वारा, एक अमीनो ग्रुप के द्वारा, एक हाइड्रोजन के द्वारा और एक आर ग्रुप के द्वारा फुलफिल हो रही है। तो आप अमीनो एसिड का फॉर्मूला भी इस तरह राइट करेंगे। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स, 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए 20 प्रकार के अमीनो एसिड जो है वो उपयोग में लिए जाते हैं। दे इंक्लूड, तो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स हैं स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 300 प्रकार के अमीनो एसिड डिस्कवर किए जा चुके हैं लेकिन 20 टाइप्स के जो अमीनो एसिड है वो ही प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एसिडिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल आप याद करेंगे, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हो जाएंगे। बेसिक अमीनो एसिड्स में हम लाइसिन, ऑर्जिनिन की बात करेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स में हम वेलिन की बात करेंगे और कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जिसमें टायरोसिन, फेनिल एलेनाइन और ट्रिप्टोफान की हम बात करेंगे। तो ये जितने भी एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड और एरोमेटिक अमीनो एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे ढंग से इन्हें याद करेंगे। अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड, बॉडी की आवश्यकता के अनुसार अमीनो एसिड्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स। तो हमारी बॉडी की आवश्यकता के अनुसार हम अमीनो एसिड को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असेंशियल अमीनो एसिड्स, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। तो असेंशियल अमीनो एसिड्स हो जाएंगे स्टूडेंट जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं एंड शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट, और इन्हें सप्लाई करने के लिए हमें डाइट में इन्हें लेना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल लाइसिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफान, जो 4 एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए हैं आपने याद करेंगे। इसी तरह हम नॉन असेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं, दे कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। तो नॉन असेंशियल है इसका मतलब ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्लाइसिन, एलेनाइन, सीरीन, ऑर्जिनिन एटसेट्रा। अमीनो एसिड्स हैव आयोनाइजेबल नेचर, अमीनो एसिड की जो नेचर होती है वो आयोनाइजेबल होती है, ये आयनित हो सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स चेंजेस इन सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट पीएच, जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड का वो परिवर्तित हो सकता है, चेंजेज हो सकता है सॉल्यूशंस में, डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस में अलग अलग आयनिक फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो अमीनो एसिड है वो जिटर आयनिक फॉर्म में मिलेगा, तो जो स्ट्रक्चर अमीनो एसिड की वो
चेंजेस पाई जाएगी डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस में। आप देखिए अलग अलग पीएच सॉल्यूशंस में, तो ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर आपको दिख रही है स्टूडेंट्स, वो ज्यूटर आयनिक फॉर्म आपको दिखेगी, जिसमें ज्यूटर आयन का मतलब प्लस भी होगा इसके ऊपर और माइनस चार्ज भी इसके ऊपर पाया जाएगा, तो इसे हम ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलेंगे। तो आपको ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म भी दर्शानी है स्टूडेंट्स, दिखानी है किस तरह से बनाया जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड का फॉर्मूला है, NH3 के ऊपर हमने प्लस लगाया हुआ है, और जब ये डिफरेंट पीएच में रखा जाएगा तो इस प्रकार से ज्यूटराइन बनाएगा। ये सारी की सारी फॉर्म्स जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल है, एक दूसरे में चेंज हो सकती है। तो एक अवस्था ऐसे आएगी जब ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाया जाएगा, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज भी होगा और माइनस चार्ज भी होगा। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से इसे बनाएंगे कि ये ज्यूटर आयनिक फॉर्म क्या है। ज्यूटर आयनिक फॉर्म का मतलब हो गया उभयधर्मी जो फॉर्म है, जब इसके पास प्लस चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर में यहीं तक बात करते हैं। आप अच्छे से नोट्स बनाइए, इन्हें याद करते हुए चलिए। ज्यूटर आयनिक फॉर्म जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे किस तरह बनाया जाएगा वो भी आप देखिए, आप बनाने की प्रैक्टिस करिए। बहुत ही सिंपल है, जब दोनों के दोनों आयन एक ही फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे उसे हम ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलेंगे, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है वो अमीनो एसिड का हो जाएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।